योग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, जिसमें दो निर्णय आज लिए गए। और सर्वप्रथम जो निर्णय लिया गया है वह औद्योगिक क्षेत्र की जो भूमि है उसके दरों में रियायत दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में। हूँ आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुन। राज्य में अनियमित मानसून, सूखे और अल्पवृष्टि की जैसी स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान के मद में वर्ष 2022-23 में बिहार आकस्मिकता मद से 29,95,00,000 की अग्रिम निकासी की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस योजना के अंतर्गत 60 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है और प्रति एकड़ 10 लीटर के हिसाब से दिया जाता है और 5 एकड़ तक दिया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ये निर्णय अनियमित मानसून, सूखे और अल्पवृष्टि के मद्देनज़र राज्य सरकार ने आज लिया है। उद्योग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, जिसमें दो निर्णय आज लिए गए। और सर्वप्रथम जो निर्णय लिया गया है वह औद्योगिक क्षेत्र की जो भूमि है उसके दरों में रियायत दी गई है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में राज्य सरकार ने बांटा, 4 वर्गों में बांट के, और उसमें जो दूर दराज इलाके थे, पिछड़े इलाके थे, और साथ ही साथ जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में जो भूमि की दरें हैं वह काफ़ी अधिक थी, उसमें राज्य सरकार ने रियायत दी है। सबसे अधिक रियायत 80% रियायत जो है दरों में दी गई है, उसमें गोपालगंज, सीवान, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, गया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, नालंदा के निर्धारित जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें 80% तक की छूट दी गई है। ये पूरी लिस्ट में संभवतः आपको मिल गई होगी या हम लोग उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ 60% जो रियायत है वह पश्चिम चंपारण, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज। तो मैं औद्योगिक क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन रियायतें दी गई 60%। इसके बाद 40% की छूट भी भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, औरंगाबाद, बक्सर, नवादा, लखीसराय क्षेत्र में दी गई। तो एक ही जिले में 2-3 औद्योगिक क्षेत्र, मैं केवल जिला का नाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें किसी एक औद्योगिक क्षेत्र में 80% भी हो सकता है, कोई 60 वाली कैटेगरी में हो सकता है, कोई 40 में भी हो सकता है, और एक लास्ट कैटेगरी है 20% अनुदान की है। पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, बक्सर, नवादा और मुंगेर और खगड़िया। उदाहरण स्वरूप मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, जैसे जो बड़ी अधिक संख्या में आपको लगता होगा, जैसे सहरसा है, सहरसा में औद्योगिक प्रांगण सहरसा में 8,75,00,000 की ज़मीन थी वो, और हमारा काफ़ी दूर दराज इलाका भी है। अब अगर उसमें 80% अगर छूट दे दी जाती है तो 1,75,00,000 हो जाता है। तो 80% का मतलब कम से कम इतनी बड़ी छूट से जो हमारे उद्योगपति हैं वे आकर्षित होंगे इन इलाकों में अपना उद्योग लगाने के लिए। इसी प्रकार एक बड़ा जैसे औरंगाबाद में औद्योगिक विकास केंद्र औरंगाबाद है, 5,58,00,000 का भूमि था, 80% के बाद 112 हो जाता है। सिवान में औद्योगिक क्षेत्र न्यू सिवान फेज 1 में 5,75,00,000 प्रति एकड़ है, जो 1,15,00,000 अब हो जाता है। तो ये बड़ी लंबी जो ये है आपकी, ये जो
काफ़ी रियायत दी गई है, और जिस जहां दूर दराज इलाके में बहुत महंगे ज़मीन थे, अब मुरलीगंज का मैं बता रहा हूँ जस्ट उदाहरण स्वरूप, मधेपुरा में औद्योगिक प्रांगण मुरलीगंज में 2,94,00,000 की ज़मीन थी, अब ये 80% छूट के बाद 59,00,000 की हो जाएगी पर एकड़। झंझारपुर में भी आप देखेंगे, मधुबनी औद्योगिक क्षेत्र झंझारपुर, 4,12,00,000 की ज़मीन थी, अब ये 80% के बाद 82 हो जाएगी। मुंगेर की 4,50,00,000 की ज़मीन थी, अब ये 90,00,000 की हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो 80% छूट है, ये बिल्कुल अब आकर्षक दामों में अब ये भूमि हमारे निवेशकों को होगी। और इसके 2-3 कारण होंगे, एक तो इन इलाकों में अब उद्योग लगाना आसान हो जाएगा, और जो भूमि का जो वैल्यू है, जो भूमि जिस पर निवेश करते थे भूमि में अधिक राशि, अब उनको कम राशि भूमि में निवेश कर सकते हैं, ताकि अन्य जो उपकरण है प्लांट है मशीनरी में वो लगा सकते हैं। तो ये मैं सूची आपको उपलब्ध करा दूँ, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था उद्योग के क्षेत्र में, ये प्रधानमंत्री केंद्र प्रायोजित स्कीम है, 60% भारत सरकार का है और 40% बिहार सरकार का अंश है। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, इसके अंतर्गत जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है हमारे राज्य में, उसके अंतर्गत ये योजना कार्यान्वित की जाएगी। इसमें किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति कोई इंडिविजुअल जो जो इन्वेस्टर है 10,00,000 तक ये सब्सिडी दी जाएगी, और 35% के दर से 10,00,000 तक ये क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान। इसका मतलब है कि आपको क्रेडिट बैंक से क्रेडिट लेना होगा और उसके लिंक में ये पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। 10% जो लाभुक हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको भी लगाना पड़ेगा, और शेष जो राशि है वो बैंक से ऋण लेना होगा। तो प्राय 35% हो गया आपका जो सब्सिडी का ये दर से अधिकतम 10,00,000, और 10% लाभुक को लगाना है और शेष बैंक को से आपको ऋण लेना होगा। तो ये एक स्कीम का एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त जो किसान उत्पादक समितियां हैं, जिसको किसान जो उत्पादक समितियां फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जिसकी कहते हैं, वो 35% क्रेडिट लिंक पूंजी अनुदान उनको उपलब्ध होगा। 40,000 रुपये तक खाद्य प्रसंस्करण में जो कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो जीविका है उनको उपलब्ध होगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट, जो किसी समूह को द्वारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस्टैब्लिश करना होगा जो तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में, वो 35% तक उनको अनुदान उपलब्ध होगा। और FPO और इन सबको जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, वह भी हम ब्रांडिंग है, अन्य है, विपणन है, मार्केटिंग सपोर्ट है, वो 50% होगा। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। चौथा ये बिहार पुलिस मुख्यालय नियंत्रणाधीन कार्यालय हैं, उसमें जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति है राज्य सरकार में, जो उनको बाहर चिकित्सा में प्रतिपूर्ति के लिए जाना पड़ता है, जिसमें चतुर्वर्गीय प्रचारी है, लिपिक है, सहायक है, अब इसका जो अनुमोदन है वो पुलिस महानिदेशक के स्तर पर ही हो जाएगा, ये निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। एक डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है अनुपस्थिति के कारण, डॉक्टर राजकुमार सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल मटिहानी बेगूसराय हैं, और संप्रति जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरारी कटिहार ये 29/4/2000 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया अनधिकृत उपस्थिति में। राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम जो हमारे PDS है, जो सिविल सप्लाईज के जो राशन दुकानों में जो हथलन व्यय है उसमें बढ़ोतरी की गई है, और डीलर मार्जिन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा 45 रुपये से बढ़ाकर प्रति क्विंटल करने का, ये आपका जो डीलर कमीशन है, डीलर कमीशन केंद्र सहायता एवं राज्य अंश दोनों की राशि जो है क्रमशः 35 रुपये एवं 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा 45 रुपये, तो दोनों में 35 से बढ़ाकर 45 रुपये डीलर कमीशन कर दिया गया है। और अब इस
योजना के अंतर्गत जो कुल व्यय होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, उसमें राज्यांश होगा, राज्यांश की कुल दर 188.90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर जो 211.40 रुपये राज्यांश अब हो जाएगा। तो जो डीलर कमीशन है वो बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ जो हथलन का कॉस्ट है वो भी इसमें बढ़ा दिया गया है। हथलन आए जो सेंट्रली स्पॉन्स केंद्र अंश था उसको बढ़ा के 35 कर दिया। राज्य सरकार का जो अंश था वो पहले ही से ही बढ़ा हुआ था, और जो डीलर कमीशन है वो 35 से बढ़ा के 45 कर दिया। तो दोनों का 50-50 था, तो 35 राज्य सरकार का था और केंद्र सरकार का 35 था, वो 35-45 हो गया, और राज्य अंश और केंद्र दोनों 45 हो गए। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है आपके जो PDS राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो PDS दुकानदार है। तीसरा ये है, ये जो PDS दुकानदार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है और उसमें जो इश्यूज आते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं नियुक्ति के क्रम में, तो अब ये है कि जिला स्तरीय जो चयन कमेटी है वो औपबंधिक मेगा सूची पहले निकालेगी और 15 दिन तक उसको प्रकाशित करेगी। आपको पता होगा कि वो कमेटी जो जिला स्तरीय चयन समिति वो पहले भी थी, अब भी है, लेकिन वो 15 दिन तक उसको मेगा सूची को प्रकाशित करेगी। उसके बाद आपत्ति और दावा इनवाइट करेगी, और आपत्ति और दावा की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर उसका निष्पादन करेगी। तो पहले तो वो जो भी लिस्ट बनेगी उसको पब्लिश करेगी, उस पर यदि आपत्ति होती है या दावा होता है तो 15 दिन तक उसको उसका निष्पादन करेगी, और अंतिम जो मेगा सूची जो प्रकाशित की जाएगी और अनुशंसा के विरुद्ध यदि कोई असंतुष्ट होता है तो डिविजनल कमिश्नर के यहाँ वो अपील कर सकता है, वो प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अपील कर सकता है, और 30 दिनों के भीतर ये पूरे परिवाद का समाप्ति हो जाएगा। तो एक अपीलिएट, पहले तो एक जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष भी अब अपील का प्रावधान है कि मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं आपकी मेधा सूची से, और दूसरा यह है कि अगर आप मेधा सूची जो फाइनल बनी सिलेक्शन सूची अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं। इससे जो विभिन्न न्यायालयों में या विभिन्न फोरम पे जो कंप्लेंट्स और प्राप्त होते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में भी आते हैं, राज्य स्तर पर विभिन्न शिकायत कोषांगों में भी इसके बारे में आते हैं, तो इसमें ये कमी आएगी। जो बिहार अमीन से राजस्व कर्मचारी संबंध नियमावली 2022 जो हाल ही में जो अधिसूचित थी उसको रद्द करते हुए पुनः पुरानी जो नियमावली है अमीन और कर्मचारियों की उसको पुनः बहाल कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है, लागू नहीं हुआ है तो उसको पुनर्विचार के लिए उसको रद्द कर दिया गया है, और अब हाँ तो वो जो पुराना व्यवस्था था वही रहेगा, तो ये रद्द कर दिया गया है। अब यही निर्णय है जो आज लिए गए हैं, यदि किसी को कोई पूछना हो। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि उद्योग विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के आज प्रस्ताव मंत्री परिषद की बैठक में आए थे जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।